नीट का मुद्दा गरमाया हुआ है। प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं देते? केंद्र सरकार के आदेश पे दिल्ली पुलिस द्वारा छात्रों के ऊपर जिस तरीके से बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज किया गया, किस लिए? आतंकवादी थे, अपने अधिकार मांग रहे थे। केंद्र में जो बैसाखी की सरकार चल रही है, जो लीक सरकार बैठी हुई है, उस पर भरोसा नहीं है। क्या गारंटी है कि आने वाले समय में दोबारा से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़? जोर से चोरी की वो करवा रहे थे ना, जोर से चोरी की बता रहे थे कि तूने चोरी करी है या नहीं करी। इस बात की सरकार गारंटी दे, इसको पता करे कि आने वाले भविष्य में कोई पेपर लीक नहीं होगा, छात्रों के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। नमस्कार, मैं शरण कुमार और मैं यहाँ पे आज जंतर मंतर पे हुआ है। आप देख सकते हैं इंडिया गठबंधन के जो घटक दल है वहाँ पे रीनीट एग्जाम को लेकर यहाँ पे एक बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम जो देश देश से जो इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल के जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो इस समय जंतर मंतर पर आकर बच्चों के भविष्य को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी रीनीट एग्जाम की मांग कर। ऐसे में एक सर है, मैं उनसे बातचीत करूंगा। क्या मांग है सर आप लोगों की? देखिए, मांग जो है हिंदुस्तान के जो 20 लाख लोगों का, बच्चों का जो भविष्य खराब नीट ने और यूजीसी ने किया है, उस नीट को और यूजीसी को दोबारा से री एग्जाम कराया जाए। सबसे पहली मांग तो हमारी ये है। उससे पहले तो आप लोगों को जो सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा जताया था, जो देश के बच्चे जताए थे, 1563 बच्चों का सुप्रीम कोर्ट ने री एग्जाम करा दिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो री एग्जाम कराया है, ठीक है, अच्छी बात है, करा दिया, पर जो 20 लाख बच्चों का भविष्य है जो इस सरकार ने एक अंधकार में ढकेल दिया है, उस अंधकार से उनका भविष्य निकालने की बात हम कर रहे हैं। आज इंडिया फ्रंट, जो इंडिया यूथ फ्रंट है, सारा का सारा आज जंतर मंतर में इकट्ठा है। आज हजारों की संख्या में आज हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, आज यही मांग करते हैं। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं भी यही मांग करता हूँ, जो 20 लाख बच्चों का भविष्य इन्होंने अंधकार के अंदर धकेल दिया है, वो बाहर निकाल लें और नैतिकता के आधार पर नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। ऐसे में आप लोग जो यहाँ बच्चों के लेकर भविष्य को सवाल लेकर चिंतित हैं, लेकिन बात अगर की जाए तो संविधान का पहला सत्र चल रहा था 18वीं लोकसभा का, ऐसे में बच्चे जो है रोड पर संघर्ष कर रहे थे, दोबारा एग्जाम कराने की मांग कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं जैसे बीजेपी करती है। नहीं, कहाँ कर रहे हैं राहुल जी धर्म की राजनीति, बताइए कहाँ कर रहे हैं? उन्होंने कहाँ बोला हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई नहीं है? कहाँ बोला उन्होंने? देश में आज मुद्दा है, उन्होंने कहा है कि जो हिंदू होते हैं वो हिंसक होते हैं। हिंदू हिंसक नहीं होता, उन्होंने बोला जो हिंसक होता है वो हिंदू नहीं होता और जो हिंसक होता है वो मुस्लिम नहीं होता। उन्होंने बोला है जो हिंसक नहीं है वो हिंदू है, जो हिंसक नहीं है वो मुस्लिम है, जो हिंसक नहीं है वो ईसाई है, वो सिख है। लेकिन मामला तो इस समय वही देश में चल रहा है, जो बच्चे के साथ अगर वो चाहते तो जो विपक्ष के जो नेता थे उनको बच्चों के भविष्य का इतनी चिंता थी तो उनको नीट का एग्जाम उठाना चाहिए कि दोबारा एग्जाम कराए। राहुल जी ने समय हर कदम पे संसद के अंदर ये मांग की है कि जो नीट के जो एग्जाम कैंसिल हुआ है, जो उसमें 60 बच्चों को पास किया गया है, सबकी नीट की री परीक्षा कराई जाए और जो निष्पक्षता के साथ परीक्षा कराई जाए, उनकी जांच हो। आप कांग्रेस के नेता हैं और प्रवक्ता हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। जिस तरह से 18वीं लोकसभा का चुनाव चल रहा था, उस समय बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब के संविधान को लेकर जो इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल थे वो सड़क से लेकर पूरा का पूरा पूरे देश के कोने कोने में जाते हैं, ऐसे में जब बाबा साहब की मूर्ति 3 जून को हटा दी जाती है संसद भवन के सामने से, तो इंडिया गठबंधन के एक भी घटक दल रोड पर नहीं आते, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बाबा साहब का अपमान करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने कदम कदम पर किया है, चाहे वो SC को आरक्षण से दूर करने का काम हो, चाहे वो हिंदुस्तान के SC का अपमान करने की बात हो, बाबा साहब का अपमान करने का काम नरेंद्र मोदी ने कदम कदम पर किया है। और राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं, उन्होंने कदम कदम पर बाबा साहब का
सम्मान करने का काम किया है, उनको मान देने का काम किया है। जो जो राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन के घटक दल, मान सम्मान का मतलब क्या होता है? बाबा साहब की पार्लियामेंट से मूर्ति हट जाती है, लेकिन इंडिया गठबंधन के एक भी नेता है, जो कांग्रेस के प्रवक्ता एक भी नेता रोड पर आकर संघर्ष नहीं करते हैं, बाबा साहब की प्रतिमा लगवाने को मांग नहीं करते हैं, आप किस बात को लेकर सम्मान कह रहे हैं? देखिए, संविधान सम्मान होता क्या है? संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, उस संविधान को ये खत्म करना चाहते थे। चुनाव 2024 के चुनाव से पहले राहुल गांधी जी पूरे हिंदुस्तान के अंदर संविधान को बचाने की बात करते हैं, तो वह बाबा साहब अम्बेडकर का तो चुनावी जुमला साबित हुआ। नहीं, जुमला बीजेपी देती है, कांग्रेस का भी जुमला देती है। कांग्रेस हिंदुस्तान के हक, हिंदुस्तान अगर संविधान और बाबा साहब से कांग्रेस पार्टी को इतना ही प्यार होता तो बाबा साहब की जिस दिन प्रतिमा हटाई गई उसी दिन उसको रोड पर संघर्ष करना चाहिए था। संघर्ष कांग्रेस पार्टी 2014 से लेकर 24 तक इस संविधान को बचाने का कर रही है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। इससे ज्यादा बाबा साहब अम्बेडकर का मान सम्मान करने का कौन सा होगा? दूसरी चीज, आपने मूर्ति की बात की है, मूर्ति का विषय मेरे नॉलेज में है नहीं। दूसरी चीज, मूर्ति जो है बाबा जी, मूर्ति में मैं एक और संज्ञान आपको डाल देना चाहता हूँ। छत्रपति साहू जी की मूर्ति थी जिन्होंने इस देश में पहला रिजर्वेशन दिया था, आरक्षण दी थी, जाति जनगणना तक कराई थी, लेकिन राहुल गांधी मैनिफेस्टो में पूरे देश में न्याय यात्रा निकाल कर जाति जनगणना की बात करते हैं, लेकिन 18वीं लोकसभा का पहले सत्र में एक भी बार जाति जनगणना की बात नहीं करते हैं। देखिए, पहले सत्र में जो मुद्दा देश के अंदर गरमाया हुआ, क्या मुद्दा गरमाया हुआ है? नीट का मुद्दा, धर्म का मुद्दा गरमाया हुआ है, नीट का मुद्दा गरमाया हुआ है, जो महिलाओं के साथ मणि, नीट के मुद्दे पर बात ही नहीं करते हैं। नीट के मुद्दे पर बात करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? आज ये क्या हो रहा है, आज ये हो क्या रहा है? ये नीट के मुद्दे पर बात हो रही है, जो आज फ्रंटल इकट्ठा हुआ है, राहुल गांधी जी के जितने भी अपने हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता है सब इकट्ठे हुए हैं। वो तो बच्चे भी देश के रोड पर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट काउंसलिंग नहीं रोक रही है, 1500-1600 बच्चों के साथ न्याय भी कर दी है। देखिए, 1500-1600 बच्चों के साथ जो न्याय सुप्रीम कोर्ट का आप करने के लिए कह रहे हैं, उसको हटा के और भी बच्चे हिंदुस्तान के अंदर हैं। हिंदुस्तान के अंदर युवाओं की आबादी सबसे ज्यादा आबादी है, आज उस आबादी का लड़ाई लड़ने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। आज सुबह 5:30 बजे मणिपुर गए हैं, जो हमारी महिलाएं हैं लाचार, जिनों के साथ अत्याचार हुआ है, उनकी बात सुनने के लिए, उनके लिए, उनके साथ न्याय करने के लिए आज राहुल गांधी जी मणिपुर। मोदी जी भी कहते हैं विश्व में डंका बज रहा है, क्या आप उनकी बातों से समर्थन नहीं करते हैं? बज रहा है। राहुल गांधी जाएंगे मणिपुर और नरेंद्र मोदी जाएंगे मॉरिशस। पता है क्यों जाएंगे? राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की पद यात्रा कर हर उस नौजवान को, हर उस गरीब को, हर उस किसान को जिया है जो इस हिंदुस्तान के अंदर संघर्ष करता है। और नरेंद्र मोदी जी मॉरिशस क्यों जाएंगे? उनका बचपन का सपना था पूरा विश्व ब्रह्मण का, आज वो ब्रह्मण कर रहे हैं। आप जो हिंदुस्तान रट लगा रखे हैं, मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ तो हिंदुस्तान की रट लगाऊंगा, पाकिस्तान की नहीं लगाऊंगा, ना अमेरिका की लगाऊंगा। अगर आप यही सवाल अगर बीजेपी के किसी कार्यकर्ता से करते तो पाकिस्तान का जिक्र करता और मैं हिंदुस्तान का जिक्र। मैं ये कह रहा हूँ ना कि आप बाबा साहब की एक तरफ संविधान बचा रहे हैं, दूसरे तरफ हिंदुस्तान, लेकिन बाबा साहब ने कभी हिंदुस्तान का समर्थन नहीं किया। संविधान में सीधा वर्णित थे इंडिया डेट इज भारत, आप जानते होंगे अनुच्छेद पहले में ही। देखिए, बाबा साहब की नीतियों पर यह हिंदुस्तान चल रहा है, उन्होंने जो संविधान लगा उन ऋषि के, आप उनके नीतियों को अपना तो नहीं रहे हैं भैया? उस नीति का संविधान को बचाने के लिए अगर कोई लड़ रहा है तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस सड़कों पर है। बाबा साहब की नीतियों के लिए ही आज हम लड़ रहे हैं और बात कर रहे हैं अब संविधान में बचाने की। लोकसभा स्पीकर 146 सांसदों को निलंबित कर देते हैं, तो मोदी जी वाला जुबान बोल रहे हैं, वो भी कहते हैं विश्व में डंका बज रहा है, लेकिन बच्चे जो है वो बस हमारी करेंसी। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ ना कि बच्चे रोड पर अपने भविष्य को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं देते? इस युवा को आज स्कूल कॉलेज में होना चाहिए, वो अपने अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर लड़ाई कर रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले केंद्र सरकार के आदेश पर दिल्ली पुलिस द्वारा छात्रों के ऊपर जिस तरीके
गए थे, बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया गया, किस लिए? आतंकवादी थे, किस लिए? अपने अधिकार मांग रहे थे। आप लोगों को न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है? हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, पर हमें केंद्र में जो बैसाखी की सरकार चल रही है, जो लीक सरकार बैठी हुई है, उस पर भरोसा नहीं है। क्या गारंटी है कि आने वाले समय में दोबारा से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़? जो नीट का जो मामला है उसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, वो बैसाखी की सवाल का जवाब नहीं। सरकार द्वारा जो नीट पेपर लीक पे जो कमेटी बनाई गई है उसका चेयरमैन कौन है, बताइए आप मुझे। चेयरमैन तो बदल गया है ना, आपको तो पता होगा। है चोर से चोरी की वो करवा रहे थे ना, चोर से चोरी की बता रहे थे कि तूने चोरी करी है या नहीं करी, क्या कहेगा वो? इस बात की सरकार गारंटी दे और प्रधानमंत्री इस बात को पुख्ता करे कि आने वाले भविष्य में कोई पेपर लीक नहीं होगा, छात्रों के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। नीट को लेकर जिस तरह से ये जो कांग्रेस है जो अपनी राजनीति चमका रही है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मेरे को लग रहा है आपकी उम्र 25-26 साल होगी, आपको ऐसा लग रहा है कि नीट पे कांग्रेस अपनी राजनीति चमकाएगी। जो 1947 से पहले से देश की लड़ाई को लड़ती आ रही है, इस देश में 56 से 60 साल उसने सत्ता चलाई है, उसको अपनी सरकार और अपनी पार्टी को चमकाने के लिए नीट को लेना पड़ेगा। नीट इस देश का एक मुद्दा हो सकता है, ये देश नहीं हो सकता है, और एक एक मुद्दा एलओपी के मार्गदर्शन में चलेगा। सांसद के अंदर एलओपी है ना राहुल जी, तो अगर किसी के साथ अन्याय होगा तो एक एलओपी की जिम्मेदारी है। आपकी उम्र 50-55 साल होगी सर? मुझे मेरी उम्र 50-55 नहीं, मेरी 32 साल उम्र है। 32 साल उम्र है, चलिए एक मिनट माफ कीजिएगा, जो भी चीजें हैं मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। देश को 77 साल हो गए आजादी, बाबा साहब को लेकर, बाबा साहब के संविधान को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे देश में हल्ला बोल राजनीति की। 77 साल में 50 साल इस देश में कांग्रेस का शासन रहा है, बाबा साहब का कौन सा बताइए बाबा साहब के नाम पर भवन बना है? मेरी एक भवन का नाम बताइए आप, सुनिए, कांग्रेस के जो राज में बना। अंबेडकर भवन देखा आपने? हाँ, दिल्ली का अंबेडकर भवन कब बना है वो आप बताइए ना मुझे सर। कांग्रेस के राज में बना है। दूसरा सवाल आपने ये पूछा था कि बाबा साहब की जब मूर्ति हटाई गई तो कांग्रेस ने प्रदर्शन नहीं किया, शायद आपने देखा नहीं होगा, सोनिया गांधी जी की अध्यक्षता में संसद के अंदर प्रदर्शन हुआ, किताब दिखा के, कि जो संसद के अंदर आप बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, अपमान विपक्ष नहीं सहन करेगा। आप भी पढ़िए, आप भी समझिए। मैं समझ रहा हूँ सर, आपकी बात को समझ रहा हूँ, किताब दिखाना, ट्वीट करना इस देश की। सुनिए, हम जाके मोदी जी का सर नहीं फोड़ सकते, वो इस देश के प्रधानमंत्री है, उनके साथ SPG चलती है, हम इस देश के युवा हैं। कांग्रेस पार्टी इस देश की एक LOP की तरह आज विपक्ष में बैठी है, आवाज उठा सकती है, आवाज उठाई, संसद के अंदर सोनिया गांधी जी ने आवाज उठाई जब मूर्ति हटी। आप ऐसे कह सकते हैं कि आवाज नहीं उठाते, सबके लिए आवाज उठाते हैं। आप भी अनजान बने रहेंगे, मैं भी अनजान बना रहूंगा, तो इससे पब्लिक का भरोसा उठ जाएगा, मीडिया पर से भी उठ जाएगा और देश के नेताओं पर से भी उठ जाएगा, और इस देश को चलाने के लिए मीडिया भी आएगी और देश को चलाने के लिए जनता और सत्ता दोनों चाहिए। चलिए शुक्रिया। तो मैं अभी जंतर मंतर पर था और जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे, नेता थे, कार्यकर्ता मान लीजिए, तमाम यहाँ पे आकर नीट एग्जाम को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, एग्जाम की बात कर रहे हैं। इस पूरे बातचीत पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।